सर क्या हुआ आज घटनाक्रम सहारनपुर में फिर से जो है एक कास्ट विशेष ने महापंचायत का आह्वान किया था। ये एक फेसबुक और सोशल मीडिया पर गुपचुप ढंग से एक अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस को इसकी भनक लगी, उस क्रम में पुलिस ने सिटी क्षेत्र में होने वाली महापंचायत को पहले से प्रतिबंधित किया और वहाँ महापंचायत नहीं होनी। उस महापंचायत में दूर दूर क्षेत्रों से आ रहे लोग जो जहाँ आ रहे थे उन्होंने वहीं पर जाम लगाया, अपने के गांव में जाम लगा दिया। जाम लगा करके वहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की और कुछ मीडिया कर्मियों ने जिन्होंने फ़ोटो वगैरह लेने का प्रयास किया था आपके बीच में से उनके कैमरे तोड़े या बाइकें उनकी जलाई। इस प्रकार की घटनाएं जनपद में कई स्थानों से हुई, छटपुट से लेकर के कई जगहों पर इस प्रकार का दुष्प्रयास किया गया है। अभी जिलाधिकारी के साथ मौके पर हम लोग यहाँ स्वयं आए हैं। हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जिन लोगों की क्षति हुई है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, अपनी FIR पंजीकृत कराएं, आइडेंटिफिकेशन करके जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, DM साहब को इसमें कहना है कि उन्होंने फायरिंग के लिए कहा था और उसके बाद फायरिंग आपकी फोर्स ने फायरिंग नहीं की। देखिए, एक जाँच का विषय है। इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तो DM साहब के साथ स्वयं ही था। DM साहब के साथ हमारे आने के बाद अभी हम लोगों ने बातचीत करके यहाँ से जाम को खुलवाया है। जो भी इसमें दोषी होगा, जिन्होंने कोई गलती की होगी उन पर। जिले में कितने स्थानों पर इस तरह की घटना हुई है? देखिए, अभी पॉइंट्स कई हैं इसलिए बहुत स्पष्ट नहीं बता सकते किन किन पॉइंट पर ऐसा हुआ है, लेकिन हम ये कहेंगे कि चूंकि इन्होंने निशाना शहर को बनाना चाहा था, सिटी एरिया में महापंचायत करके उसमें जिस ढंग का आह्वान किया था उससे ये स्पष्ट था कि इनका जो इनकी मंशा थी वो शहर क्षेत्र में उपद्रव करने की। SSP साहब, 72 घंटे में दोबारा इतनी बड़ी घटना हो जाती है, फेलियर नहीं मानते आप सिस्टम का? देखिए, कहीं ना कहीं से बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनसे हम लोग पार पाने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। जहाँ जहाँ कमियां हैं उनको भी दुरुस्त किया जाएगा और जो दोषी हैं आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई की। गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं क्या? गिरफ्तारियां कुछ जरूर हुई हैं। जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं उनका सही आंकड़ा क्या है इसके बारे में आपको शाम में प्रेस वार्ता करके जानकारी। आपको ये नहीं लगता कि सिटी बता रहा कि मैसेज था कि सिटी डिस्टर्ब करेंगे और कर दिया पूरा जिला, आप लोग को देंगे? हो सकता है, आप जो कह रहे हो सवाल अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन हमारा पॉइंट यह था कि सिटी एरिया जहाँ पर आह्वान किया गया था वहाँ पर जिस ढंग से मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे र्यूमर्स फैलाते हुए, उससे ऐसा लगता था कि वहाँ पहुँचने पर कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जिसके क्रम में पुलिस ने इस प्रकार की कार्रवाई की, वहाँ से तितर बितर किया, वहाँ से हटाया। चलिए, अभी तक के लिए।